हरि जीव गुफा अंदर ही राख के वाजा पवणु वजाइया वजाइया वाजा पवणु नव दुआरे परगटु किए दसवा गुपतु रखाइया। गुर दुआरे लाय भावनी इकना दसवा दुआरु दिखाइया। तह अनेक रूप नाव नवनिधि तिसदा अंतु न जाई पाइया। कहे नानक हरि प्यारे जीव गुफा अंदर रखी के वाजा पवणु वजाइया। आनंद साहिब से उद्धृत है, अर्थ है परमात्मा ने प्राण को शरीर गुफा में टिकाकर जिह्वा को बोलने की शक्ति दी, शरीर को बोलने की शक्ति दी, नाक कान आदि नौ कर्म इंद्रियां प्रत्यक्ष रूप से बनाई और दसवें द्वार यानी दिमाग को गुप्त रखा। प्रभु ने जिनको गुरु के दर पर पहुंचाकर अपने नाम में श्रद्धा पैदा की उनको दसवां दर भी दिखा दिया, उनको विचार उनको सिमरन की विचार शक्ति भी दे दी जो आत्मिक आनंद का मूल है। उस अवस्था में मनुष्य को अनेक रंगों रूपों में व्यापक प्रभु का वह नाम रूप नौ खजानों का भंडार उपलब्ध हो जाता है। जतिंदर हैं, कह रहे हैं आचार्य जी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास साहिब जी की पावन बाणी आनंद साहिब की 38वीं पौड़ी में दसवें द्वार का जिक्र आया है। नाथ संप्रदाय की बाणी में तो जगह जगह दशम द्वार तुष्मना इंगला पिंगला का जिक्र आता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी कुछ और जगह भी इसका जिक्र आया है, सूरज चढ़िया दसवें आकाश गुरु अर्जुन देव साहिब, नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चूजे गुरु अमरदास साहिब। आचार्य जी कृपा करके हमें समझाएं कि दशम द्वार इंगला पिंगला सुषमना से गुरु साहिब का क्या आशय है और हमारे मन में पहले से ही इन चीज़ों के संबंध में बनाई हुई गलत धारणाओं का नाश हो। बार बार धन्यवाद कृपा करें। जतिंदर, शरीर के बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। शरीर प्रकृति का उत्पाद है। आदमी समय में विकास यात्रा का एक तात्कालिक परिणाम है। अगर बहुत दूर जाकर देख पाओ पिछले लाखों करोड़ों वर्षों में आदमी की देह की जो विकास यात्रा रही है उसे विहंगम दृष्टि से देख पाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि जिसे तुम आदमी का शरीर कहते हो और जैसा तुम आदमी के जिस्म को जानते हो, आदमी के जिस्म ने वो रूप तो बस अभी अभी अख्तियार किया है, जैसे समझ लो कल ही। आदमी है न जाने कब से, लेकिन जैसा तुम आदमी को देख रहे हो आदमी वैसा बस कल से है। चलो तुम्हें आंकड़ों के साथ समझा देता हूं। ऐसे मान लो कि सृष्टि को बने ठीक एक साल हुआ है आज, सृष्टि को बने आज ठीक एक साल हुआ है, तो ब्रह्मांड की कुल उम्र कितनी है अभी? एक साल। बताओ आदमी का जन्म कब हुआ?
आदमी कब आया? अरे कल भी नहीं, तुमने तो बहुत पुराना बना दिया, बस अभी 10 मिनट पहले आया है। सृष्टि में ये औकात है आदमी की। और मैं जब कह रहा हूं आदमी, तो मेरा आशय है आदमी का वो रूप जिससे तुम परिचित हो। किस रूप से परिचित हो? एक खोपड़ा, दो आंख, ये नाक, ये होंठ, कान, ये बाल, ये दो पांव पे खड़े होना, ये मेरुदंड का सीधा होना, ये सब कुछ बस अभी अभी हुआ है। और जब सृष्टि इतनी पुरानी है तो कल परसों में खत्म भी नहीं होने जा रही। तो खूब समझ सकते हो तुम कि जैसा तुम आदमी को देख रहे हो, आदमी दो पल के लिए वैसा है फिर बदल जाएगा। आदमी अचानक से ही नहीं आ गया, आदमी सृष्टि के पहले पल से है, लेकिन वैसा नहीं था जैसा आज है। लगातार विकास की यात्रा चलती रही है जिसने आदमी को आज इस रूप में तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया है। मैं ये तुमको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आदमी के रूप को लेकर के हम में जो जिद है, हमारी जो बड़ी गहरी धारणाएं हैं, वो जरा छूटें, टूटें। ना तो परमात्मा ने किसी दिन बैठ करके अचानक आदमी का निर्माण किया कि जैसा कई संप्रदायों में माना जाता है कि बस 2-4-5-7 दिन लगाए और आदमी बना दिया, फिर औरत बना दी और फिर उनको घूमने छोड़ दिया। पूरी प्रकृति ही बिंदु मात्र से उद्भूत है, अर्थात कहीं से आई नहीं है, सत्य से उठी है। सत्य ही शून्य है, सत्य ही बिंदु है। वहीं से जिन्होंने जाना उन्होंने कहा कि पहले नाद उठा, पहले आया शब्द और फिर आया संसार। और ये सब आदमी की ही विकास यात्रा है। वो स्रोत भी मनुष्य था, चूंकि वो स्रोत है इसीलिए उसे मनुष्य का बाप कह दिया जाता है। ये कोई संयोग नहीं है कि संसार भर में तुम इस तरह की बात सुनते हो। क्या कहते हैं? प्रभु पिता है, हे परमपिता। ईश्वर को संबोधित करते समय ऐसे ही लोग कहते हैं ना, हे परमपिता, हे पिता परमेश्वर। वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आदमी सीधे सीधे वहीं से निकला है। वो कोई सांकेतिक बात नहीं है, वो असली बात है, उसमें तथ्य है, उसमें भौतिक तथ्य है। ये हाड़ मास सीधे उसी स्रोत से, उसी बिंदु से उत्पन्न हुए हैं। एक झटके में नहीं हो गए, बहुत धीरे धीरे हुए हैं, साल भर लगा है। और साल भर में कह रहा हूं ब्रह्मांड की उम्र, एक साल नहीं कि 365 दिन मान लो तुम, ब्रह्मांड की पूरी उम्र लगी है आदमी को उसके वर्तमान रूप तक लाने में। रूप आज आदमी का वैसा है जैसा तुम देख रहे हो, लेकिन वास्तव में आदमी है बहुत पुराना। आदमी कितना पुराना है? जितना ब्रह्मांड पुराना है। लेकिन जो रूप तुम आदमी का देखते हो वो कितना पुराना है? 10 मिनट पुराना है। आदमी एक साल पुराना है, आदमी का निवर्तमान रूप 10 मिनट पुराना है। और जो 10 मिनट पुराना है वो बहुत लंबे समय तक टिकेगा भी नहीं ना, वो बदलता रहेगा ना। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा भाई। 10 मिनट से पहले आदमी वैसा नहीं था जैसा तुम उसे आज देखते हो। सोचो महीने भर पहले कैसा रहा होगा, पहचान में ही ना आए। उससे एक महीने पहले कैसा रहा होगा, कोई तुलना ही नहीं। उसे तुम देखो तो कहोगे ये आदमी है। हाँ, वो आदमी ही है। वही बढ़ते बढ़ते वो हो गया जिसको आज हम कहते हैं इंसान। तो बताना जितेंद्र कि अगले एक महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद आदमी कैसा हो जाएगा? तुम कुछ कह नहीं सकते। एक बात लेकिन पक्के तौर पे तुम कह सकते हो, वैसा तो नहीं रहेगा आदमी जैसा आज है। ठीक।
आदमी वैसा तो नहीं रहेगा जैसा आज है। अब ये बात बिल्कुल पकड़ करके रख दो सुरक्षित। अब दूसरी बात पर आओ, फिर पहली और दूसरी बात का संगम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अध्यात्म सत्य का अनुसंधान है, ठीक। अध्यात्म उस तक जाने की आदमी की कोशिश है जो नित्य है, जो बदलता नहीं है ना, जो नित्य है जो बदलता नहीं। अध्यात्म में उन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं जो लगातार बदलती रहती हैं। उनको तो अध्यात्म कहता है कि इनकी उपेक्षा करो, हटाओ इनको, यही है ना, समझो बात को। अध्यात्म अनित्य को कहता है इस पर ध्यान ही मत देना। क्या कहता है? ध्यान ही मत देना। तो अध्यात्म देह को लेकर भी क्या बोलता है? ध्यान ही मत देना। या अध्यात्म कहता है कि मुंह गोरा कर लो तो कुछ मिल जाएगा। या अध्यात्म ऐसा कहता है कि आंखों की रोशनी अगर तुम्हारी बहुत अच्छी हो तो परमात्मा ज्यादा साफ दिखाई देंगे। या अध्यात्म कहता है कि कान में रोज तेल डाला करो, इससे तुमको जो आकाशवाणी है और जो प्राचीन नाद है वो ज्यादा साफ सुनाई देगा। सुना है कि फलाने ऋषि एक तेल का नुस्खा बता गए हैं, उसको सुनने से प्रभु का शब्द ज्यादा साफ सुनाई देता है। सुना है क्या? अध्यात्म जिस्म पर हंसता है। दो वजहें साफ दिख रही हैं। पहली बात तो ये कि जिस्म से ही तो मुक्ति पानी है, और दूसरी बात यह कि जिस्म अनित्य है। अब तुम देखो कि ये सारी जो बातें नाड़ियों इत्यादि की तुम पढ़ते हो वो क्या है। पहली बात तो जिस शरीर में उन नाड़ियों की बात की जा रही है वो शरीर ही 10 मिनट पुराना है। 10 मिनट बाद शरीर ही वैसा नहीं रहेगा तो नाड़ी कौन सी बचेगी। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि नाभि के पास फलाना चक्र होता है, फिर हृदय के पास फलाना चक्र होता है, फिर कंठ के पास होता है, फिर माथे पर होता है, फिर खोपड़े में छेद होता है, और छेद के पास ऐसी नाड़ी होती है जो छेद को आवृत करे रहती है। 10 मिनट के बाद जो मनुष्य होगा, हो सकता है उसके खोपड़े ही ना हो, अब नाड़ी कहां से आएगी। समझो बात को। 2 दिन पहले जो मनुष्य था उसके पूंछ भी थी, आज है? 20 मिनट पहले जो मनुष्य था उसके भी कई शारीरिक अवयव आज के मनुष्य में नहीं है, और कई ऐसे हिस्से हैं हमारे शरीर में जो पुराने हैं और पुराने होकर धीरे धीरे झड़ रहे हैं, उनको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। वो बस मौजूद है, उनका कोई काम नहीं है, वो अतीत के अवशेष मात्र हैं। कुछ समय बाद बच्चों में वो पाए नहीं जाएंगे, अभी बचे हुए हैं, उनका कोई काम इत्यादि नहीं। किसी को ऐसे एक दो अंगों का पता है? अपेंडिक्स। सबसे पहले तो अपेंडिक्स, वो किसी काम का नहीं है, बीमारी जरूर पैदा करता है अपेंडिसाइटिस, तो डॉक्टर उसको सीधा ही हटा देते, कहते वैसे भी फालतू चिपका हुआ है। वो तब काम आता था जब आदमी बंदर था, अब उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसी तरीके से ये जो तुम्हारा जिस्म है जतिंदर, 10 मिनट बाद ये जिस्म ऐसा रहेगा ही नहीं, हो सकता है तुम खोपड़ा तुम्हारा बचे ही नहीं, कुछ भी तुम हो सकते हो। एक समय तुम सांप थे, आज तुम आदमी हो, तो सोचो कल तुम क्या हो सकते हो। समझना बात को। परसों तुम पक्षी थे, कल तुम अजगर थे, आज तुम आदमी हो, तो कल तुम कुछ भी और हो सकते हो ना। तो फिर उसमें देह के आकार प्रकार की बात करने से क्या लाभ। कल हो सकता है कि तुम्हारे पास कंठ बचे ही नहीं, तो बताओ वो कंठ चक्र की क्या महत्ता रह जाएगी, जल्दी बताओ कि रह जाएगी। कई प्राणी ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जानते हो ना, बहुत प्राणी ऐसे होते हैं ना जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, होती है इनवर्टिब्रेट,
अब व्यर्थ प्रचार ये किया जाता है कि ये जो नाड़ियां होती हैं ये सब रीढ़ की हड्डी के साथ साथ ऊपर तक आती हैं, इंगला पिंगला सुषमना सबके बारे में यही कहा जाता है ना कि ये रीढ़ की हड्डी के साथ साथ, और कल अगर आदमी के रीढ़ की हड्डी ही ना बचे फिर कहां गई नाड़ियां। ये बात तुम्हें सुनने में बड़ी अकल्पनीय लग रही होगी पर ऐसा होता आया है, तुम ये सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम एक व्यापक पैमाने पर सोचते ही नहीं हो। मनुष्य के पास भी रीढ़ की हड्डी सदा से नहीं थी, रीढ़ की हड्डी आदमी को अभी अभी मिली है, बस अभी अभी 15 मिनट पहले मिली है, 15 मिनट पहले मिली और 15 मिनट बाद वो गायब हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि वो नाड़ियां जिनका संबंध रीढ़ की हड्डी से ही हो उसकी कोई महत्ता है? क्या वो नाड़ियां तुम्हें सत्य के दर्शन करा सकती हैं जो खुद विलुप्त होने जा रही हैं, जो खुद अनित्य है, क्या तुम्हें नित्य तक ले जाएगा? कहते हैं यहां खोपड़े में छेद होता है ब्रह्मरंध्र, खोपड़ा ही ना बचे तो कभी अमीबा थे तुम और अमीबा से इंसान बने हो, और अगर प्रकृति की विकास यात्रा तुम्हें कल फिर अमीबा ही बना दे तो फिर कहां से लाओगे ब्रह्मरंध्र? बोलो मुझे बताओ। तो ये सब बातें निश्चित रूप से भौतिक नहीं है पर उन्हें भौतिक तौर पर बोला गया क्योंकि तुम देह से आसक्त हो, तुम देह से आसक्त हो। ना इन दो आंखों के बीच में कोई तीसरा नेत्र होता है, ना कहीं कोई सहस्रार कमल खिलना है, इन सब का कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता। सीधी सी बात है, जो कुछ भी भौतिक होता है वो भौतिक इंद्रियों की भी पकड़ में आएगा ना, जतेंद्र जवाब देना। ऐसी कोई भौतिक वस्तु है जो भौतिक इंद्रियों की पकड़ में ना आती हो बताना, और अगर ऐसी कोई वस्तु हो जो भौतिक इंद्रियों की पकड़ में ना आती हो तो क्या तब भी उसे तुम भौतिक ही बोलते हो? बोलो। यहां तक कि रेडियो वेव्स भी एक भौतिक उपकरण की पकड़ में आ जाती हैं कि नहीं? वो आंखों से दिखाई नहीं देती, मुट्ठी में भी नहीं पकड़ में आती, लेकिन रेडियो बनाते हो तो पकड़ में आ जाती है ना। यानी जो कुछ भी संसार में है वो किसी ना किसी भौतिक वस्तु की पकड़ में आएगा ही आएगा। ये सब जो बातें होती हैं कि चक्र हैं और नाड़ियां हैं, अगर ये होते वास्तव में तो किसी ना किसी भौतिक उपकरण की पकड़ में तो आते आते हैं क्या? तो ये भौतिक है ही नहीं, ये है पर भौतिक नहीं है, सांकेतिक है, ये है पर सांकेतिक है। समझाने वालों ने हजार तरीके से समझाया, सुनने वाले बुद्धू थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो एक तरीका यह भी लगाया, क्या बोले, ये देखो सांप जैसी तीन चीजें बैठी हैं तुम्हारी रीढ़ के नीचे, और कुंडली मार के बैठी हैं, वो उठेंगी तो फिर तुम्हें आनंद का अनुभव होगा और मुक्ति की प्राप्ति होगी। तुमने कहा जे बढ़िया बताया, इससे पहले तो न जाने आप किस भाषा में बात कर रहे थे, कभी कहते थे तितिक्षा, कभी कहते थे उपरति, कभी कहते थे साधना संयम विवेक, वो सब हमारे पल्ले नहीं पड़ता था। ये सांप वाली कहानी फिर से सुनाना, ये बढ़िया। तो तुमने कहा अच्छा सांप में इस बच्चे का मन लगता है, तो चलो सांप के ही तरीके से बताते हैं। बोले अच्छा ठीक, बोले अच्छा वो सांप का रंग क्या है? बोले अच्छा रंग भी चाहिए, अब सांप है तो उसका कुछ रंग भी होगा, तो फिर नाड़ियों का रंग भी बता दिया गया, एक पीली है, बढ़िया एक पीली है, और एक लाल है, एक लाल है, एक लाल है। तुमने कहा जरूर यहां नीचे कुछ बैठा हुआ, एक पीला है एक लाल है, बढ़िया है अच्छा है। जैसे बच्चे को फूल दिखाया जाता, कमल खिलता है, अच्छा दिख रहा है मुझे, जो ये सुन रहा है वो थोड़ी देर में जाके कमल सर पे रख के घूम रहा है क्योंकि कोई बालक बुद्धि ही होगा जिसे इस तरीके से समझाना पड़ा होगा। ये समझाने वाले की करुणा है कि उसने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने कहा कि तुम जैसे समझो हम वैसे समझाए देते हैं, तुम्हें यही सब तरीके पसंद है समझने के कि सांप की बातें हों और छेद की बातें हों
और पेट में चक्र है, ऐसी बातें हों, और ऊर्जा उठती है, भभूके उठते हैं, ऐसी बातें हों, और माथे में आंख खुलती है, ऐसी बातें हों, तुम्हें यही सब परिकथाएं पसंद है, तुम्हारी बुद्धि इसी सीमा तक विकसित है, तो लो हम तुम्हें इसी भाषा में समझाए देते। तो उन्होंने समझा दिया। ये उनकी करुणा थी, ये उनका अज्ञान नहीं था, ये उनकी करुणा थी कि उन्होंने तुम्हें तुम्हारी समझने की क्षमता के अनुसार, तुम्हारी ग्राह्यता बुद्धि के अनुसार समझाया। अब तुम गजब मत कर देना कि तुम कहने लग जाओ कि सही में कोई चीज होती है जो कुंडली मार के बैठती है। तुम कहने मत लग जाना कि सही में ऐसा होता है कि जब फलाना चक्र सक्रिय होता है तो सीने में दर्द होता है। सीने में दर्द हो तो उसे चक्र इत्यादि का खेल मत मानना, एम्बुलेंस बुलाना। न जाने कितने ऐसे ही मरते होंगे, उन्हें लगता होगा कोई चक्र सक्रिय हो रहा है। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर तुमने बात करी है दसवें द्वार की, तो दसवां द्वार क्या है? ये नौ द्वारों से ही स्पष्ट हो जाता है ना। बार बार कभी दसवें की बात की गई है, कभी ग्यारहवें की भी बात की गई है। वो क्या है? देखो क्या है, जितने तरीकों से तुम दुनिया के प्रति आकर्षित होते हो, जितने तरीकों से दुनिया तुम में प्रवेश करती है, उन्हें कहा गया द्वार। सारे के सारे द्वार खुलते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, संतों का, ऋषियों का काम है तुमको ये बताना कि तुम्हारे सारे द्वार बाहर की तरफ ही नहीं खुलते, संसार ही सत्य नहीं है। संसार तुम्हें कैसे दिख रहा है ये भी देख लो। तो फिर वो बात करते हैं कभी दसवीं दिशा की, कभी ग्यारहवीं दिशा की। भी कहते हैं पांच कर्म इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, एक इंद्रिय और भी है। वो कौन सी इंद्रिय है? जो स्वयं को देखती है। कभी साहब गाते हैं दस द्वारों का पिंजरा, तामे पंछी पौन, रह जाए तो अचरज है, उड़े तो अचरज कौन। ये कौन से द्वार हैं? ये वही द्वार हैं जिनसे संसार तुम में घुस आता है। संतों ने लगातार बात करी है, क्योंकि अध्यात्म का उद्देश्य ही है तुम्हें संसार के प्रति आसक्ति से आजाद कराना। जब संसार से तुम्हें आजाद कराना है तो तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा ना कि संसार से तुम आसक्त कैसे हो जाते हो। तुम आसक्त हो जाते हो इंद्रियों के माध्यम से। आंखें दिखाती हैं दुनिया, कान सुनाते हैं दुनिया, मन चिंतन करता है दुनिया का, हाथ छूते हैं तो दुनिया को छूते हैं। जितनी ये तुम्हारी पूरी व्यवस्था है ये दुनिया से ही संबंधित है। लेकिन यही व्यवस्था दुनिया में चैन नहीं पाती, तो निश्चित रूप से इंद्रियों के अलावा भी तुम में कोई है जो दुनिया से चैन नहीं पाता। इंद्रियां तो दुनिया में चिपक जाती हैं तो चिपक जाती हैं, लेकिन कोई और भी है तुम्हारे भीतर जो दुनिया के साथ चैन नहीं पाता। ऋषियों ने तुम्हारा ध्यान बार बार उसकी ओर खींचा है। समझ में आ रही है बात? जो दसवां शब्द है ये उपयोगी है, सार्थक है, इसकी बड़ी महत्ता है। दस से तात्पर्य ही है वो जो नौ से आगे का है। नौ तरीके तुम्हारे बंधन के, दसवां तरीका तुम्हारी आजादी का। नौ द्वार जिनसे संसार तुम में प्रवेश करता है, दसवां द्वार जिससे तुम परमात्मा में प्रवेश करते हो। इसीलिए बार बार ऋषियों ने दसवें की बात करी है या ग्यारहवें की बात करी है। वो इस पर निर्भर करता है कि वो इंद्रियों को कितना गिन रहे हैं। समझ में आ रही है बात? आखिरकार
महत्व तो गिनती का नहीं है, महत्व तो मुक्ति का है। गिनती के चक्करों में मत उलझ जाना। कि तीन क्या है तुम बताओ, तीन अवस्थाएं हैं। चार क्या है, चार तुम कुछ बताओ। पांच क्या है, पांच तुम कुछ बताओ। छह क्या है, और ये पंडितों का बड़ा खेल होता है, एक दो तीन चार छह आठ दस बारह, यही गिनते रह जाओ। इस गिनती से मुक्ति कब मिलेगी? गिनती अपने आप में बंधन हो गई ना। तुम्हें इसमें रुचि है कि आठ है या बारह है, या इसमें रुचि है कि आठ हो या बारह हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये विवाद थोथे ज्ञानियों के हैं कि ठीक ठीक बताओ शरीर में कितनी नाड़ियां हैं। अब किसी बेचारे ने एक कम बता दी तो उसको कह दिया हे मूर्ख, ये तो मुक्ति के लिए पात्र ही नहीं है। ये व्यर्थ की चीजें हैं। मूलभूत बातें तुम्हें पता हैं, तुम अच्छी तरह जानते हो कि क्या है जो तुम्हें बंधन में रखे है, उससे मुक्ति का आयोजन करो। गौर से देखो कि अपने बंधन के लिए तुम ही उत्तरदायी हो, और छोड़ दो वो सब कुछ जो तुमने पकड़ रखा है। बाकी सब बातें इशारे हैं, जिन्होंने इशारे दिए उनका सम्मान करो, उनकी मेहनत व्यर्थ मत करो। देखो, नित्यता की कसौटी को याद रखना। संतों के वचन समय के साथ फीके नहीं पड़ते। आदमी बदल जाए, संतों की बातें यथावत रहेंगी। आदमी का स्वरूप ही बदला है ना, रूप रंग आकार ही बदला है ना। आदमी के काम क्रोध मद मोह लोभ भय माया मात्सर्य, ये तो बहुत पुराने हैं ना। तुम्हें काम क्रोध तब भी था जब तुम अजगर थे, था कि नहीं था? रूप तब दूसरा था, लेकिन काम क्रोध तो तब भी था। तुम्हें काम क्रोध तब भी था जब तुम चिड़िया थे, जब चीटा थे। यहां तक कि अपनी हस्ती की सुरक्षा का भाव तुम में तब भी था जब तुम धूल के कण मात्र थे। देखा है, धूल का कण भी अपनी हस्ती बचा के रखता है, आसानी से बदलता नहीं। धूल का एक तिनका भी आसानी से अपना आकार अपना रंग रूप बदलने को तैयार होता है क्या? तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है। उसमें भी अहंकार है, वो भी कहता है कि मेरी हस्ती जैसी है ऐसी ही रहे। तो बदलाव का भय तुम में तब भी था जब तुम धूल के कण मात्र थे, तुम तब भी बदलने को तैयार नहीं थे। एक पत्थर भी अपना आकार बदलने को तैयार होता है? तुम जिस जगह पे जम के बैठ जाते हो वहां से उठने को तैयार नहीं होते ना, नहीं होते ना। पत्थर भी जहां जम के बैठ जाता है वहां से उठने को तैयार नहीं होता। तो हम जैसे ही हम वैसे ही रहेंगे। ये भाव तो जड़ पदार्थों में भी होता है, तुम में भी था। संतों ने बात करी है उन चीजों की जो समय के साथ नहीं बदलती। तुम्हारी मूल वृत्ति समय के साथ नहीं बदली है, संतों ने उसकी बात करी है। संत तुम्हारे चेहरे की बात थोड़ी करेंगे। समझ में आ रही बात? तो संतों ने काम क्रोध मद मोह इनकी बात करी है। ये तुम में बहुत बहुत पहले से हैं, ये सृष्टि के पहले पल से हैं तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हारे पास जो आज चेहरा है और जो नाक है वो सृष्टि के पहले पल से नहीं है। वो कितनी देर पहले आई? वो 10 मिनट पहले आई। इसीलिए अध्यात्म में तुम्हारे मुंह तुम्हारी नाक तुम्हारी रीढ़ की हड्डी इन सब का कोई महत्व नहीं है। हाँ, काम क्रोध मद मोह की बात होगी और अंतिम सत्य की बात होगी वहां पर। काम क्रोध मद मोह की बात होगी क्योंकि वो तुम में पहले पल से हैं, और सत्य की बात होगी क्योंकि सत्य तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है। बाकी जितने बीच की चीजें मिली उन सब को उपेक्षा की दृष्टि से देखना, वो यूं ही हैं, या तो संकेत हैं या फिर मजाक है। ठीक।